हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन वही एक्सरसाइज 7.1 का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट CM बराबर 1/2 AB। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। फिगर आपका कैसे बना हुआ, फिर से मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ। आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। सी को एम से ज्वाइन किया गया, इसको आगे बढ़ाया जाता है, डी को बी से मिला दिया गया। ठीक है, ये आपका डी है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है आपका, ए है। इस तरीके से बढ़ाया गया कि ए आपका जो डी डी एम है वो सी एम के बराबर है। ठीक है, डी एम सी एम के बराबर है। और एम चूँकि मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बी एम आपका ए एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया ही है। हमें प्रूव करना है कि सी एम बराबर 1/2 AB, ये हमें दिखाना है। अब इसके लिए करते क्या है कि चूँकि हमें ये पता हो गया है, अभी हम इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेंगल डी बी सी इज कॉन्गुएंट ट्रेंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी ए कॉन्गुएंट है। जब कॉन्गुएंट है तो क्या है, यहाँ से हम निकल के आ रहा है, दिस इम्प्लाइज डी सी इक्वल टू ए बी। तो डी सी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई सी बी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी, तो सी बी सी टी से दे मिल गया। अब भाई डी सी के बीच में देख लो, डी सी किसका है, इसका पार्ट है। डी एम और सी एम को मिलाने के बाद क्या बन रहा है, डी सी बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी, ये आपका पूरा बन रहा है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा है कि डी एम इज इक्वल टू क्या है, सी एम है। ओके, तो जब डी एम इज इक्वल टू सी एम है, हमें प्रूव करना है कि सी एम की वैल्यू प्रूव करना है, तो हम क्या इसको 2 CM लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 CM इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। या जब 2 CM बराबर ए बी हो गया, तो हम इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि सी एम बराबर क्या हो जाएगा, तो सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 AB। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ध्यान से आप सोच के बताओ। कुछ इसमें किया नहीं गया है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये पता है कि ए ट्रायंगल डी सी बी और ए सी बी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाई बाई सी पी सी डी उसका जो हाइपोटेन्यूज डी सी है और दूसरे का हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है, वो आपस में बराबर होंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, क्यों, बाई सी पी सी डी। ठीक है, अब चूँकि डी सी जो हमारा साइड है उसमें क्या क्या मिला, डी डी एम मिला है प्लस सी एम मिला है, डी एम प्लस सी एम ये मिली क्या, और डी सी। बट ये हमें पता है कि सी एम को हमने एक्सटेंड किया था सच दैट डी एम बराबर सी एम, ए गिवन है। तो यहाँ पे क्या किया गया, डी एम और सी एम को प्लस करके इक्वल टू ए बी कर दिया। चूँकि डी एम और सी एम आपस में बराबर है, तो हम सी एम प्लस सी एम कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2 CM मिल जाएगा। जब 2 CM बराबर ए बी, तो सी एम बराबर क्या होगा, ए बी बाई 2 हो जाएगा, या हाफ हाफ ए बी। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।